मॉर्निंग कलिशिया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूं आप सब प्रभु में सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। मत्ती 5 का 23 और 24 हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। हालेलुया। यह प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु से भेंट लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ अनबन है हमारे भाइयों से, हमारे लोगों से, तो हमें पहले उनको निपटाना चाहिए। तो आइए हमारे मन को हम टटोलते, हमको जांचते हैं, हमारे मन को हम शुद्ध करते हैं कि हम परमेश्वर को देखो, क्योंकि लिखा है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आइए हम आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता हम लीन नम्र दीन होकर आपके चरणों में आते हैं। पिता हम अपने सारा आत्मा मन शरीर को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता हम अपने आप को ठतोलते हैं कि पिता हम जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुए हैं हमें क्षमा कर, और पिता किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट है या अच्छा मेल मिलाप नहीं है, पिता हम आज अभी का अभी उनको क्षमा करते हैं, उनसे मेल मिलाप करते हैं यीशु के नाम से, ताकि आपसे हमारा अच्छा मेल मिलाप हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, और पिता सारा स्तुति आराधना टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हमारी स्तुति आराधना आपको ग्रहण हो, और पिता आपकी ज्ञान बुद्धि मांगते हैं आपके वचन को हम समझने के लिए, और हम समझ मांगते हैं वो वचन को हमारे जीवन में लागू करने के लिए, और वचन के द्वारा हमें आशीष करना। धन्यवाद पिता, सारा आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग ओके। आशा करता हूँ कि सब घर पे सही सलामत है परमेश्वर की वजह से। ये साल बहुत सारी कठिनाई से हम पास हुए होंगे, बट परमेश्वर ने हमारे जो भी कठिनाई है उसमें से हमें निकाला है। आमीन। हर एक कठिनाई से परमेश्वर ने हमें उससे सक्सेस से निकाला है। आमीन। सो ये जो गाना है, लेट्स सिंग इट फॉर हिम। उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते। आमीन। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल जाए तो मिल जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय।
नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा, तेरे ही नाम की जय गाए सदा। ओ ओ ओ तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा। तू मिल जाए तो मिल जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। मुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, है सभी। ओ मुझ मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही है सभी। तू मिल जाए तो मिल जाए हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी अर्जरी। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो। समय है परमेश्वर की आराधना करने के, साथ में गए यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से, यही समय आराधना का आत्मा और सच्चाई से। तो क्या तैयार है, हम तैयार है। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बाद लो से सम्मान दिल दे प्रभु, सम्मान शो पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। इस समय प्रार्थना का, यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से, यही समय है प्रार्थना का आत्मा और विश्वास से। इस समय कलीसिया, यही समय कलीसिया यीशु नाम को उठाएगी, यही समय कलीसिया यीशु
नाम को उठाएगी। आप तैयार है, हम आहम तैयार है। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बाद लो से आत्मा उंडेल दे प्रभु, सब मनुष्य पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे, यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे, यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे, यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। आप तैयार है, हम तैयार है, हम तैयार है। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से आत्मा उंडेल दे प्रभु, सब मनुष्य पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बाद लो से उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्य पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। Amen. परमेश्वर की आग की बारिश, उनकी आग की बारिश हमारे लाइफ को बदल सकती है। Amen. एंड ऑल्सो परमेश्वर ने हमारे लाइफ को जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे तभी हमारे लाइफ को छुटकारा दिया था, तभी हम रिडीम्ड हो गए थे। मैन यू रिडीम फ्रॉम ऑल सिंस, फ्रॉम ऑल सिकनेस, जो भी पाप थे, जो भी कठिनाई थे, जो भी सिकनेस थे, सब दूर हो गए। मैन क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पे हम उनकी जान ली हमारे लिए। मैन सो लेट्स सिंग द सॉन्ग। I have been redeemed by the Father's love. I have been redeemed by His Son's own blood. For He paid the price so that I might live. Died upon the cross and He rose again so that I might say, I have been redeemed. I have been redeemed by the blood of the Lamb. I have been redeemed. I have been redeemed by the blood of the Lamb. I have been redeemed by the Father's love. I have been redeemed by His Son's own blood. For He paid the price so that I might live. Right upon the cross and He rose again. So that I might say, I have been redeemed. I have been redeemed by the blood of the Lamb. I have been redeemed. I have been redeemed by the blood of the Lamb. I have been redeemed.
Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say, I've been redeemed. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say, I've been redeemed. I've been redeemed. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say so. Let the redeemed of the Lord say, I've been redeemed. I have been redeemed. I have been redeemed by the blood of the Lamb. I have been redeemed. I have been redeemed by the blood of the Lamb. परमेश्वर से हमें छुटकारा मिला है. You freed us, Lord, from all this temptation, from all this sorrow, from all this pain, Lord. आपने हमको हर चीज से बचाया परमेश्वर, और हमें छुटकारा दिया परमेश्वर. थैंक यू फॉर दैट लॉर्ड. तो मेरा हम सफर है परमेश्वर, द टाइम यू केम इनटू माय लाइफ लॉर्ड, जब तू मेरी जिंदगी में आया परमेश्वर, मेरा जीवन बदल गया परमेश्वर. मैन लॉर्ड, हम सफर, तू मेरा हम सफर, तू जब से मेरे जिंदगी में आया, तू जब से मेरे जिंदगी में आया, सब कुछ बदल गया, ओ, सब कुछ बदल गया. तू मेरा हम सफर, तू मेरा सफर, तू जब से मेरे जिंदगी में आया, तू जब से मेरे जिंदगी में आया, सब कुछ बदल गया, ओ, सब कुछ बदल गया. तेरी महिमा की कल्पना, तेरे हाथों के आसरा, कोई न समझ सकता, कोई न समझ सका. चट्टान है तू मेरा विश्वास है, तू जब से मेरे जिंदगी में आया, तू जब से मेरे जिंदगी में आया, सब कुछ बदल गया, जीवन सुमन तेरा, तेरी मोहब्बत
कल्पना मेरे इस गीत की आराधना कोई ना समझ सकता ओ कोई ना समझ सकता एक तमन्ना तेरे उस क्रूस की पवित्रता कोई ना समझ सका कोई ना समझ सका मेरा हम सफर है परमेश्वर तूने मेरा जीवन बदल दिया है परमेश्वर हर एक तरीके से परमेश्वर अब मेरे जीवन में जब आए परमेश्वर मेरे जीवन में सब अलग और ऐसी चीज अद्भुत चीजें होने लग गए परमेश्वर यस लॉर्ड आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा है परमेश्वर नेवर फेल्स लॉर्ड योर लव नेवर फेल्स यू It is intimate.
ever said. Capture my heart again. Your love, God. Your love is extravagant. It is intimate. I feel like moving to the rhythm of your ways. Your fragrance is intoxicating in a secret. Extravagant. Your friendship, it is sentiment. Spread wide in the arms of Christ. It's love that covers sin. Look where alone have I ever known. Consider me a friend. Sing it again. When in love have I ever known? Consider me your friend. Capture my heart again. Is intimate. Your love is extravagant. Thank you.
stood up. जैसे वो नाव में परमेश्वर सब डर गए थे परमेश्वर जब तूफान आए थे परमेश्वर सबको लगा था कि डूब जाएंगे परमेश्वर बट देन आप जब उठे और आपने जो तूफान को शांत किया परमेश्वर आप तूफान होगा ये सब का परमेश्वर कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता परमेश्वर इसलिए मैं स्थिर रहूंगा परमेश्वर क्योंकि कुछ भी कठिनाई हो परमेश्वर कुछ भी प्रॉब्लम परमेश्वर आप हमेशा रहोगे परमेश्वर क्योंकि आपका प्यार परमेश्वर सबसे ऊंचा है परमेश्वर
Yes, Lord. Thank you, Jesus, for this time, Lord. We thank you for blessing us, each one of us, Lord. We thank you for your presence, Lord, for touching each one of us, Lord. As we're moving towards the word, Jesus, I pray that you, that your presence does not leave us, Lord. Even as we finish the service, Lord, as we move to do our daily work, Jesus, we want your presence to be with us, Lord, to guide us, Jesus, so that we be still, Lord. We be still in you, Lord, that we have the faith in you, Lord. Yes, Jesus, thank you in this mighty and precious name. Amen. 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 प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग. वापस हम लोग ऑनलाइन में मिल रहे हैं. आइए हम वचन में जाने के पहले हम बाइबल को कबूल करेंगे. बाइबल कन्फेशन. दिस इज माय बाइबल. आई एम व्हाट द बाइबल सेज आई एम. आई हैव ऑल थिंग्स व्हाट द बाइबल सेज आई हैव. आई कैन डू ऑल थिंग्स व्हाट द बाइबल सेज आई कैन डू. टुडे आई एम लर्निंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. I confess, my mind is alert, my heart is receptive. I am hearer and also the doer of this word. I will never be the same. In Jesus' name, Amen. Bible ki kabuli. Yeh meri Bible hai. Main hoon kya Bible kehti hai? Main hoon. Meri paas sabhi hai. Bible kya kehti hai? Meri paas hai. Main sab कर सकती हूँ. बाइबल क्या कहती है? मैं कर सकती हूँ. आज मैं सीख रही हूँ परमेश्वर की वचन से. मुझे कबूल है. मेरी मन सतर्क है. मेरी दिल ग्रहणशील है. मैं श्रोता हूँ और करता भी इस वचन का. मैं पहले जैसा नहीं रही. यीशु के नाम से आमीन. आज का टॉपिक है व्हाई जीसस केम टू दिस अर्थ. क्यों यीशु मसीह ये धरती पर आया है. यूहन्ना 1:1-18, जॉन 1:1-18, उसमें हम लोग ये देखेंगे यीशु ये धरती पर आने में क्या कारण था. और ये किताब है, लिखा है यूहन्ना है. ये बपतिस्म दिया वो यूहन्ना नहीं है. ये प्रकटीकरण लिखा है वो यूहन्ना है. मत्ती और लूक में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग शरीर के रूप में इस तरीके से पीढ़ी पीढ़ी से कैसा यीशु मसीह आया उसके बारे में बता रहा है. इधर यूहन्ना बताते हैं आत्मिक रूप में कैसा परमेश्वर से यीशु मसीह आया करके बताते हैं. यूहन्ना 1:14 पढ़ेंगे. जॉन 1:14, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड डवेल्ट अमंग अस. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. योहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा. इतिहास में सबसे बड़ा चीज हम लोग देखते हैं यीशु का जन्म होना, क्रूस के ऊपर बलिदान होना और तीसरा दिन जीवित उठना है. ये तीन चीज ये धरती पर हो गया है. उसको द्वारा हमारा मनुष्य के लिए बहुत बड़ा और बहुत फर्क गिरा है. आज हम लोग देखेंगे यीशु ये धरती पर आया और इसकी वजह से व्यक्तिगत रूप में मेरा जीवन में क्या फर्क हो गया वो हमको देखेंगे. प्रभु यीशु आत्मा में था और वो शरीर में ये धरती पर जन्म होकर आया. अभी हम शरीर में है, हम नया जीवन आत्मा में पा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा. इसलिए
प्रभु यीशु ये धरती पर हमारे लिए आया है। कभी हम समझते हैं यीशु का चरित्र और व्यक्तित्व, फिर हमारा जीवन में हम आशा बहुत सारा चीज़ों को पर हम कर सकते हैं और हमारे विश्वासों को भी वो बढ़ाता है। प्रभु यीशु का चरित्र व्यक्तित्व वो हमारे लिए प्रकटीकरण करते हैं उसका क्षमता क्या है, हमारे लिए प्रभु यीशु क्या कर सकते हैं और उसका सामर्थ्य और उसका चिंता, उसका बोझ और हमारे लिए ये धरती के लिए, उसको भी हम देख सकते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है, अभी हम 1 से 18 वचन में हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु का चरित्र और व्यक्तित्व क्या है और उससे हमको समझ में आएगा वो किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना चाहते हैं, क्यों हमारे लिए धरती पर आया, और ये बातों को हमको समझ के हम लेंगे ताकि हमारे जीवन में हम कैसा सफलता में और तंदुरुस्त में और हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी हम ये वचन में हम पढ़ेंगे यीशु मसीह था करके बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह मरा, जीवित उठा, अभी जिंदा है, अभी यीशु मसीह है। अभी पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु परमेश्वर का साथ था। योहन्ना 1:1 वचन पढ़ेंगे, John 1:1, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। योहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इधर हम लोग देखते हैं यीशु परमेश्वर का साथ था, मतलब है प्रभु यीशु खुद परमेश्वर था। प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ हो के ये धरती को शुरुआत करना है और मनुष्य को सृष्टि करना है, और जूना करार में हम कितना पढ़ते हैं ये सारे चीज़ों में प्रभु यीशु का हाथ, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर का साथ साथ था। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आदि से था। John 1:2, He was in the beginning with God. Yohanna 1:2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इधर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु आदि से परमेश्वर के साथ था, उसका मतलब है प्रभु यीशु भी परमेश्वर है और परमेश्वर सृष्टि किया वो समय से प्रभु यीशु उसके साथ था। मधुगुरु के लोगों के साथ चर्चा हो गया था, फिर यीशु मसीह बताया मैं था मूसा के पहले, फिर लोगों को आश्चर्य हो गया इस तरीके से कैसा ये बताते हैं मूसा के पहले कैसा था, उसका मतलब वो लोगों को समझ में नहीं आया। यीशु बोलने का मतलब है आदि से परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु था, ये सारा सृष्टि सारा चीज धरती में बनाया वो उसमें सभी चीज़ों में प्रभु यीशु था और आदि से प्रभु यीशु था। ये भी हम कभी यीशु ये धरती पर हमारे पास आया है और हमारा साथ रहकर क्रूस के ऊपर मरा, जीवित उठ के और शरीर के रूप में स्वर्ग में चला गया, और वो यीशु मसीह कौन था, परमेश्वर के साथ आदि से था। इसलिए हम लोग को समझना है यीशु कौन है, ये मनुष्य रूप में धरती पर आया और इसलिए हम उसको कम नहीं समझ सकते हैं। प्रभु यीशु धरती पर था, 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर भी था, और एक ही बार प्रभु यीशु प्रकट किया उसका परमेश्वर का गुण को, कभी वो रूपांतर हो गया पाठकों पर वो समय में, नहीं तो प्रभु यीशु मनुष्य जैसा है और हमेशा धरती पर था। लेकिन हमको याद रखना है ये प्रभु यीशु कौन था, परमेश्वर भी था और आदि से भी था। तीसरा हम देखेंगे ऑल थिंग्स मेड थ्रू हिम, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वॉट एवर वॉज मेड इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग वॉज मेड थ्रू हिम, क्या क्या धरती पर बना हुआ है सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हो गया है। John 1:3, ऑल थिंग्स वेर मेड थ्रू हिम एंड विदाउट हिम नथिंग वॉज मेड दैट वॉज मेड।
योहन्ना 1:3 सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। इधर हम लोग पढ़ते हैं सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हो गया है। अभी ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु धरती पर था और सृष्टि का चमत्कार भी किया था। एक समय में एक व्यक्ति का आंख नहीं था, कभी उसको जन्म हो गया था बिल्कुल आंख नहीं था, प्रभु यीशु उसके ऊपर हाथ रख के मिट्टी के लेके उसके आंख को ऊपर डालकर प्रार्थना किया और तुरंत उसको आंख आ गया और रोशनी पे आ गया। अभी भी हम देखते हैं प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु चिन्ह चमत्कार करते हैं और उसको लोगों को द्वारा है। आज भी वो सृष्टि करता है, आज भी सृष्टि का चमत्कार करता है। लोगों का आग नहीं है, प्रभु यीशु आग देता है। किसका हड्डी टूट गए हैं और हड्डी के जॉइंट हो जाते हैं, किसका गर्भ नहीं है और उसका सृष्टि करता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सृष्टि करता है, सब कुछ उसको द्वारा बना हुआ है। आज भी आप उसको ऊपर भरोसा रखेंगे आपका जीवन में कदर भी, आपका शरीर में कदर भी सृष्टि चाहिए, प्रभु यीशु सृष्टि कर सकते हैं। वो प्रभु यीशु आज आपका साथ है और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको पर विश्वास करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। फोर्थ वन, इन हिम वॉज लाइफ, उसी में जीवन था। जॉन चैप्टर 1:4, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। योहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। इसी में जीवन था, प्रभु यीशु में जीवन है। योहन्ना 14:6 में यीशु ने बताया, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन है, प्रभु यीशु के पास कौन आएंगे उसको जीवन मिलता है। यीशु बोला, मैं ही रोटी हूँ, मैं ही जीवित रोटी हूँ और इसके तुम खाएगा तो मरेगा नहीं, प्रभु यीशु ने बताया। यीशु दूसरा बार आने के समय में कौन कौन मरा है यीशु जैसा, वो भी पुनरुत्थान होएगा, बाइबल में लिखा है। फिर यीशु के साथ बादल में हम उसके साथ जाएंगे। प्रभु यीशु में अभी भी जीवन है क्योंकि वो ही हमको जीवन दे सकते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कौन मृत्यु हो गए हैं उसको भी प्रभु यीशु हाथ रखकर प्रार्थना किया और उसका जीवन आ गया। प्रभु यीशु बताया, मैं ही जीवन है, मैं भी तुझे पुनरुत्थान कर सकता हूँ। प्रभु यीशु के पास ये सामर्थ्य है। कौन बीमारी है वो शरीर को और नया सृष्टि बना सकते हैं प्रभु यीशु, वो शरीर को जीवन दे सकते हैं। कौन कमजोर हो गए हैं, कौन बीमारी में पड़ गए हैं, वो शरीर को प्रभु यीशु जीवन दे सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु खुद जीवन है। पांचवा, फिफ्थ वन, ही वॉज लाइट, वो ज्योति था। जॉन चैप्टर 1:5, एंड द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस डिड नॉट कॉम्प्रिहेंड इट। योहन्ना 1:5, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु वो ज्योति है। प्रभु यीशु बोला, मैं ये जगत का मैं ज्योति हूँ, और तुम मेरे पास आएगा और तुम भी मेरा ज्योति को तुम प्रकट कर सकते हैं। ये धरती पर बहुत लोग इस तरीके से अंधकार में चलते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये जरूर नहीं है हम ये आंखों से हम क्या देखते हैं, क्या ये आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। आत्मिक क्षेत्र में भी प्रभु यीशु हम लोग रोशनी देते हैं, हमको समझ में आते हैं प्रभु यीशु हमको क्या मार्गदर्शन देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारा जीवन में समझ में आते हैं किसको और रोशनी नहीं है, कौन अंधकार में चलते हैं वो लोग जीवन में प्रभु यीशु रोशनी लेके आते हैं। आपका जीवन में अंधकार है, आप सोचते हैं आपके जीवन में समस्या में है, सोचते हैं सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ का अंधकार में, यीशु के ऊपर आप भरोसा रखो। यीशु खुद ज्योति है, प्रभु यीशु हमारे पास अंदर आएगा, आप यीशु को स्वीकार करेंगे, यीशु आपके दिल के अंदर आएगा, फिर आपका दिल में आपका परिवार में हमेशा ज्योति रहेगा, आपके जीवन में ज्योति रहेगा, फिर आप हमेशा खुशी में रह सकते हैं। ये खुशी बार पैसा में परिस्थिति में नहीं है,
ये खुशी है परमेश्वर देता है। खुशी हम दुकान में जाके हम खरीद नहीं सकते हैं, ये खुशी परमेश्वर देते हैं। सिक्स्थ वन, ऑल कैन बिलीव इन हिम, सभी उस पर विश्वास कर सकते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 and 7, देयर वाज ए मैन सेंट फ्रॉम गॉड हुज नेम वाज जॉन। दिस मैन केम फॉर ए विटनेस, टू बेयर विटनेस ऑफ द लाइट, दैट ऑल थ्रू हिम माइट बिलीव। योहन्ना 1:6-7, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम योहन्ना था, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। इधर एक मनुष्य था, वो मनुष्य का नाम योहन्ना, वो बपतिस्म देने वाला मनुष्य है। वो मनुष्य का योहन्ना का काम यही था, ये धरती पर यीशु आने के पहले रास्ता का मार्गों को बनाना और प्रभु यीशु के लिए गवाही रहना है। और ये व्यक्ति आया प्रभु यीशु के लिए एक गवाही बनने के लिए और ये रोशनी के लिए एक गवाही बन के रहने के लिए, ताकि यीशु के ऊपर सभी लोगों को विश्वास करेंगे। इधर हम बाइबल में देखते हैं, ये व्यक्ति का नाम नथानियल। वो शिष्य को पूछा, क्योंकि शिष्य ने यीशु के बारे में वो नथानियल को बताया। फिर नथानियल पूछा, मैं यीशु को मिलेगा, कुछ फायदा होएगा मेरा जीवन में? मैं यीशु के ऊपर विश्वास करेगा और मेरा जीवन में कुछ फायदा होएगा? जरूर है। आप भी प्रभु यीशु के ऊपर अविश्वास करेंगे, आपका जीवन में भी फायदा होएगा, मेरा जीवन में भी फायदा हो गया है। बहुत साल पहले, 35 साल पहले, मुझे 3 साल सिर दर्द का तकलीफ था। मैं सभी डॉक्टर के पास गया, बहुत सारा इलाज किया और एक छोटा ऑपरेशन भी किया, बहुत सारा दवा खाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो गया। डॉक्टर ने चेक किया, सिर से पैर तक सब कुछ चेक किया, सब कुछ नॉर्मल है। और बॉम्बे में कितना बेस्ट डॉक्टर सबको बताया, मुझे कुछ ठीक नहीं हो गया। फिर कोई तो यीशु के बारे में बताया, मैं पूछा, ये यीशु के पास मैं आएगा तो, ये यीशु के ऊपर मैं विश्वास करेगा तो मेरा ये सिर दर्द चला जाएगा, मेरा बीमारी चला जाएगा? और मेरा दोस्त ने बताया, आओ आके देखो। फिर मैं प्रभु यीशु के पास आया, कम से कम 35 साल पहले। फिर यीशु के पास आने के बाद 3 महीने के अंदर मेरा सिर दर्द से पूरा मुक्ति हो गया। 3 साल का सिर दर्द का तकलीफ था, मैं अभी 35 साल से मैं चंगाई में रहता हूँ। अभी ये फायदा प्रभु यीशु मेरा जीवन में किया है, आपका जीवन में भी प्रभु यीशु कर सकते हैं। जरूर मैं विश्वास किया है यीशु के ऊपर, मुझे भलाई हो गया है, वही प्रभु यीशु आपको ऊपर भी भलाई करेगा। आप सिर्फ विश्वास करो, आप और कुछ नहीं करना है। प्रभु यीशु ने पहले क्या कर दिया है, वो चीज़ को ऊपर करो। परमेश्वर किसी को ऊपर पक्षपात नहीं करते हैं। मुझे किया इस तरीके से भलाई, जरूर आपको भी करेगा। शायद सिर दर्द नहीं होगा, दूसरा कुछ बीमारी होगा, दूसरा कुछ तकलीफ होगा, लेकिन जरूर आप यीशु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। आपके लिए वो हमेशा अच्छा ही करेगा, क्योंकि आपके लिए वो प्रभु यीशु आकर क्रूस के ऊपर मरा है, बलिदान किया है। वो काम व्यर्थ में नहीं है, जरूर आप यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। 7th one, गिव्स लाइट टू एवरीवन, सबको ज्योति देता है। जॉन चैप्टर 1:8-9, He was not the light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light which gives light to every man coming into the world. योहन्ना 1:8-9, वह आप तो वह ज्योति था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। इधर हम देखते हैं, ये योहन्ना है, वो ज्योति नहीं था, लेकिन योहन्ना किसके लिए आया, ये ज्योति के लिए, वो प्रभु यीशु को गवाही बनने के लिए आया। ये ज्योति, ये सच ज्योति है, सच्ची ज्योति कौन है,
प्रभु यीशु है। अभी हम देखते हैं सूर्य है, सूर्य का खुद का रोशनी है, लेकिन चांद का खुद का रोशनी नहीं है। वो चांद रोशनी लेता है ये सूर्य से। यीशु है ऐसा ये सच्ची ज्योति है। वो सच ज्योति प्रभु यीशु के पास हम आएंगे, वो हम हर एक को इस तरीके से रोशनी देता है। अब हम लोग देखते हैं सूर्य है दिन में पूरा दुनिया को रोशनी देता है, ऐसा ही ये प्रभु यीशु आत्मिक रोशनी हमारे जीवन में देगा। यह धरती में भी आपका जीवन में ज्योति देगा और आपका परिवार में रोशनी आएगा, क्योंकि यीशु है सच्ची ज्योति है। आठवां देखेंगे, ही गेव राइट टू एवरी वन हु बिलीव्स हिम टू बिकम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। उसने हर व्यक्ति को अधिकार दिया जो उसमें विश्वास करता था, ताकि वो परमेश्वर का संतान बन सके। जॉन चैप्टर 1:12, बट एज मेनी एज रिसीव्ड हिम टू देम ही गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू दोज हु बिलीव इन हिज नेम। योहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु अधिकार दिया है, कोई भी व्यक्ति वो उसके ऊपर यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे वो व्यक्ति परमेश्वर को संतान बन सकते हैं। आप परमेश्वर को बेटा बेटी बनना है, ये धरती पर सबसे बड़ा है, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है। कैसे हो सकते हैं? प्रभु यीशु खुद बता रहे हैं कौन उसके ऊपर भरोसा रखेगा वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन सकता है। उसका मतलब क्या है? उस यीशु के ऊपर विश्वास करना है, ताकि प्रभु यीशु है परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद क्रूस के ऊपर हमारे लिए मरा, हमारा सारा पापों को ले लिया, हमारा सारा बीमारी को ले लिया है, उसका बाद मर गया क्रूस के ऊपर, गाड़ा गया, जीवित उठा। उसके बाद में बाइबल में लिखा 40 दिन प्रभु यीशु धरती पर था, कम से कम 500 लोग का वो देखा दिया है। उसके बाद में प्रभु यीशु स्वर्ग में गया, वही प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। ऐसा यीशु नहीं है क्रूस के ऊपर मर गया और गाड़ दिया, नहीं, ये यीशु जिंदा हो गया। प्रभु यीशु जिंदा है, इसलिए आज आपको वो प्रभु यीशु मदद कर सकते हैं। इसलिए हमको समझना है प्रभु यीशु ये धरती पर आने को द्वारा आपको उसके ऊपर विश्वास करने का द्वारा है आपको परमेश्वर का बेटा बेटी बन सकते हैं। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप परमेश्वर का बच्चा बनो, सिर्फ आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, बस फिर आप परमेश्वर का बच्चा हो जाते हैं। कैसा परमेश्वर का बच्चा व्यक्ति बन सकते हैं? कौन मूल से कबूल करते हैं यीशु प्रभु है और हृदय के ऊपर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु जीवित उठा, फिर वो व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा बन जाता है। और कुछ करने का कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हम कुछ कार्य करके परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं पा सकते हैं, हम कुछ कार्य करके परमेश्वर का बच्चा नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा क्या कार्य किया है वो उसके ऊपर सिर्फ विश्वास करने से हम परमेश्वर का बच्चा हो जाता है। 9th, ही बिकेम फ्लश, वो देहधारी हुआ। John chapter 1:14, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yohanna 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हम इधर पढ़ते हैं वो देहधारी हुआ है। कौन देहधारी हो गया है? वचन। कौन सा वचन है? बाइबल। ये वचन
परमेश्वर के पास था और वही वचन है शरीर के रूप में आकर हमारे बीच में था और ये वचन शरीर में मतलब है प्रभु यीशु शुरू में था, परमेश्वर के साथ था। कैसा था? वचन के रूप में था। फिर ये धरती पर आने का यही वचन शरीर के रूप में आकर हमारा बीच में आ गए हैं। इसलिए वचन में लिखा है वो देहधारी हो गया। प्रभु यीशु देहधारी होने का क्या जरूरी था? क्योंकि प्रभु यीशु शरीर में आकर हमारा मनुष्य का पापों को ऊपर लेकर, मनुष्य का बीमारी को उसको ऊपर लेकर, मनुष्य का सारा शाप को ऊपर लेकर, सारा गरीबी को उसको ऊपर लेकर प्रभु यीशु क्रूस को ऊपर मरना है। फिर अभी हमारा पाप किधर है, हमारी बीमारी किधर है, प्रभु यीशु उसको शरीर में लेकर क्रूस को ऊपर मर गया। मतलब है हमारा पाप, हमारा बीमारी, गरीबी, सारा शाप, सब कुछ यीशु के साथ क्रूस को ऊपर मर चुका है। यही कारण के लिए प्रभु यीशु ये धरती पर शरीर में जन्म हो गया है मरियम को द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु को शरीर में ये धरती पर आना जरूरी था। 10th विल सी डोल्ट अमंग द पीपल, लोगों को बीच में ठहरा गया। जॉन चैप्टर 1:14 एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड डोल्ट अमंग अस and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. योहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौते की महिमा। इधर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु वो लोग बीच में था, आज भी वो ही प्रभु यीशु हमारे बीच में है। इसलिए आप अकेला नहीं है, हमारा बीच में है। बाइबल में लिखा यीशु ने बताया कभी दो और तीन मिलकर प्रार्थना करते हैं मैं वो लोग बीच में है। आज भी आप लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और आंख बंद कर परमेश्वर से दुआ करेंगे, किधर भी है, घर पे है, किधर भी है और रास्ते पे चलते हैं, किधर भी है उधर ही आप इस तरीके से और दुआ करेंगे, परमेश्वर आपका आवाज़ को सुनते हैं और परमेश्वर हमारा बीच में है, आपका परिवार में है। परमेश्वर यीशु को द्वारा प्रभु यीशु आपका परिवार में है, प्रभु यीशु आपका साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि योहन्ना 3:16 में लिखा परमेश्वर ये जगत को इतना प्रेम किया इसलिए उसका एकलौता पुत्र को धरती पर भेजा, कौन उसको पर भरोसा रखेगा और नाश नहीं होगा परंतु अनंत का जीवन पाएगा। परमेश्वर पापी को प्यार करते हैं, परमेश्वर पाप को नफरत करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु ये धरती पर आया है। वो प्रभु यीशु चाहता है हमारा बीच में हमेशा रहने के लिए। आप उसको मौका दे दो, सिर्फ आप बुलाओ प्रभु यीशु आ जाओ मेरा बीच में, प्रभु यीशु हमारे बीच में रहने के लिए तैयार है। कभी प्रभु यीशु हमारे बीच में आ जाते हैं जरूर हमारा बीच में का परिस्थिति को, हमारा परिवार को परिस्थिति को प्रभु यीशु जरूर बदली करता है। लेकिन याद रखना है हम प्रभु यीशु को पूरा पूरा अधिकार देना है। आओ प्रभु यीशु मेरा परिवार में, मेरा घर पे रहना, आपको मैं पूरा पूरा अधिकार देता हूँ, मुझे बदली करो, मेरा परिवार को बदली करो, मेरा परिस्थिति की बदली करो, मैं आपका इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। इस तरीके से हम दुआ करेंगे प्रभु यीशु हमारा बीच में हमेशा रहने के लिए तैयार है। 11th ही वॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की महिमा थी। जॉन चैप्टर 1:14 विल रीड अगेन एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस एंड वी बीहेल्ड हिज ग्लोरी, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. योहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा यीशु को मुझे पिता को बताओ, फिर यीशु ने बोला
तुम मुझे देखा तो, मतलब तुम पिता का देखा है। प्रभु यीशु बताया, तुम मुझे देखा तो तुम परमेश्वर को देख सकते हैं। उसका मतलब है प्रभु यीशु परमेश्वर का महिमा है। आपके जीवन में परमेश्वर का महिमा आप महसूस करना चाहते हैं, फिर यीशु को आपका जीवन में बुलाओ। यीशु का हाथ में जीवन को समर्पित करना है। 12 है, जीसस वॉज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ। यीशु अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। जॉन चैप्टर 1:14 विल रीड अगेन। And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. योहन्ना 1:14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु अनुग्रह और सच्चाई में भरपूर था। आपको अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह क्या होता है? कुछ चीज़ों के लिए हम लायक नहीं है, फिर भी हमारा जीवन में परमेश्वर कुछ करते हैं, वो अनुग्रह होते हैं। वो अनुग्रह हमारा जीवन में चाहिए। परमेश्वर का विशेष रूप से आशीष हमारा जीवन में चाहिए, फिर हम यीशु के पास आना है। यीशु के पास सच्चा ही है। प्रभु यीशु बताया, मेरी मार्ग सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु सच है। हम कभी प्रभु यीशु के पास आएंगे, हम सच्चाई में रहेंगे, झूठों में नहीं रहेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतता है, क्योंकि वो सच्चाई परमेश्वर का है। एक कहावत है, सत्यमेव जयते। उसका मतलब है हमेशा सच्चाई विजय पाते हैं। क्यों सच्चाई हमेशा विजय पाते हैं? क्योंकि वो सच्चाई प्रभु यीशु, वो परमेश्वर का वो सच्चाई। सच्चाई में आप रहेंगे, हमारा जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। आपके साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। हम झूठा बोलकर परमेश्वर का अनुग्रह को मैं कभी हम पा नहीं सकता है, लेकिन हम सच्चाई में रहेंगे परमेश्वर अनुग्रह को पा सकते हैं। आप सोचेंगे कभी कभी कुछ गलती हो जाते हैं, मैं सच बोलेगा तो मैं फंस जाएगा, लेकिन आप सच्चाई में रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा। 13 पॉइंट, नो वन हैज एवर सीन गॉड बट जीसस हैज सीन गॉड फेस टू फेस। परमेश्वर को कभी किसने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर को आमने सामने देखा है। जॉन चैप्टर 1:18, नो वन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, द ओनली बिगॉटन सन Who is in the bosom of the Father, He has declared Him. योहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को कोई भी कभी नहीं देखा है, लेकिन प्रभु यीशु देखा, क्योंकि प्रभु यीशु पिता का गोद में है। पिता परमेश्वर गोद में है। ये परमेश्वर का देखा है सिर्फ प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु परमेश्वर को आमने सामने देखा है। वही प्रभु यीशु आज हमारा बीच में है। वो प्रभु यीशु को आपके दिल में आप स्वीकार करेंगे, फिर परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है आपको मालूम पड़ेगा। फिर आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर की योजना क्या है आपके जीवन में, आपको मालूम पड़ेगा। ये धरती पर हम बहुत सारा योजना कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योजना क्या परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वही सबसे बढ़िया योजना है, वो सभी से अच्छा योजना है। ऑल गुड आइडियाज आर नॉट गॉड्स आइडिया। सब अच्छा आइडिया है, सोचे जरूर नहीं ये परमेश्वर का आइडिया है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, क्योंकि वही सृष्टिकर्ता, वही हमको ये धरती पर भेजा है, क्योंकि यीशु ने सारा सृष्टिकर्ता है। हमारा जीवन में हमारे लिए क्या सबसे बढ़िया है, हमारे लिए अच्छा है, प्रभु यीशु जानता है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के पास है। परमेश्वर हमको सृष्टि किया है यीशु के द्वारा, फिर हमारे जीवन में हम चाहते हैं उसका इच्छा क्या है, फिर हम प्रभु यीशु के पास आना है। आज हम लोग देखा प्रभु यीशु धरती पर क्यों आया।
हमारे लिए उसको द्वारा क्या फायदा है। इसलिए हमको पहले हमको समझना है प्रभु यीशु का चरित्र है और व्यक्तित्व क्या है, यही हम लोग को इतना देखा था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग को देखा नंबर वन ही वॉज विद गॉड, वो परमेश्वर के साथ था। सेकेंड ही वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आदि से था। तीसरा ऑल थिंग्स मेड थ्रू हिम, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। फोर्थ वन इन हिम वॉज लाइफ, उसी में जीवन था। फिफ्थ वन ही वॉज लाइट, वो ज्योति था। सिक्स्थ वन ऑल कैन बिलीव इन हिम, सभी उस पर विश्वास कर सकते हैं। सेवंथ गिव्स लाइफ टू एवरी वन, सबको ज्योति देता है। एट वन ही गेव राइट टू एवरी वन हु बिलीव्स हिम टू बिकम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, उसने हर व्यक्ति को अधिकार दिया जो उसमें विश्वास करता था, ताकि वो परमेश्वर का संतान बन सके। नाइंथ वन ही बिकेम फ्लश, वो देहधारी हुआ। टेंथ ड्वेल्थ अमंग द पीपल, लोगों को बीच में ठहरा गया। इलेवंथ ही वॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की महिमा थी। ट्वेल्थ जीसस वॉज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ, यीशु अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। थर्टीन पॉइंट नो वन हैज एवर सीन गॉड बट जीसस हैज सीन गॉड फेस टू फेस, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर को आमने सामने देखा है। आज हम लोग देखा प्रभु यीशु का चरित्र व्यक्तित्व, उससे हमको समझ में आता है यीशु जरूर ये धरती पर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आया है। वो यीशु को मैं कभी मेरा दिल में मैं बुलाएगा स्वीकार करेगा मेरा जीवन में मैं पूरा फायदा में ले सकता हूँ, मेरा जीवन में पूरा उसका यीशु धरती पर आने का पूरा फायदा मेरा जीवन में होएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे वो यीशु को हमारा जीवन में बुलाएंगे, ताकि हमारा जीवन में प्रभु यीशु अभी हम देखा है ये सारा चीज़ हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु लेकर आएगा। यीशु को आप इस तरीके से बुला सकते हैं आपका दिल में, ताकि आज हम लोग को इतना देखा है इसका सब भलाई आपका जीवन में आएगा। आइए आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना में आप बोल सकते हैं, आप यीशु को आपके दिल में बुलाना चाहते हैं आप बुला सकते हैं। प्रभु यीशु मैं मानता हूँ आप मेरे लिए धरती पर आया, मेरा पापों को ले लिया, मेरा बीमारी को ले लिया, मेरा शापों को ले लिया, मेरा गरीब को ले लिया और क्रूस को पर आप मरा और गाड़ा गया और तीसरा दिन जीवित उठा। आज परमेश्वर मुझे धार्मिकता व्यक्ति बनाया, मुझे आज सफलता दिया, मुझे आशीष दिया, मुझे चंगाई दिया। मैं मेरा दिल को मैं खोलता हूँ और प्रभु यीशु मेरा दिल के अंदर मेरा साथ रहना। एक कारण के लिए आप धरती पर आया, वो कारण मेरा जीवन में आज पूरी होने दो। यीशु मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप मेरा प्रभु है, उद्धार करता है। आमीन। आप ये प्रार्थना को दिल से किया, प्रभु यीशु आपका दिल के अंदर आए हैं, प्रभु यीशु आपका साथ है, आपका जीवन में आज सब देख सकते हैं प्रभु यीशु का भलाई आपका जीवन में हमेशा हमेशा सदा रहेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु का आशीष। आमीन। प्रभु, धन्यवाद देते पिता, प्रभु के लिए, प्रभु, ये बिस्किट आपको शरीर है जो आपने हमारे पापों के लिए कुछ बेतुरा है, ये पानी आप कड़वे
जो आपने हमारे पापों के लिए बहाया प्रभु, ग्यारह पिता को वचन के जो कुछ हमसे पाप हो रहे हमें क्षमा करना पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन कहता है कि मैं आने दो मुझे स्मरण करते हुए तुम इस रोटी पहले भाग लेते रहना, मेरे नाम का प्रचार करते रहना। पिता भोजन आने वाले हमें देने के हम धन्यवाद देते हैं, आपके पास होते हैं पिता। हम जैसे इसमें भाग लेते हैं पिता, हम धन्यवाद देते कि आपने हमें आपके कुछ चमाई दी। प्रार्थना प्रभु पिता सारा महिमा आदर करो आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से मांगते हैं पिता। सुनो समय है बोने का। प्रभु का वचन कहता है हर्ष से बोने वाले खुशी खुशी से काटेंगे। हालेलुया, तो आइए हम गीत गाएंगे। हम गीत गाएंगे तारक तो सामर्थ, तारक तो सामर्थ तो यीशु दे युगल युगल, तारक तो सामर्थ तो यीशु दे युगल युगल। Hallelujah, 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 hallelujah.
प्रार्थना करेंगे, सब अपने हाथ बढ़ाएंगे ये बीच के ऊपर और दशमांश के ऊपर। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन जिन हाथों ने प्रभु ये बोया है, दशमांश दिया है प्रभु यीशु, हर एक को प्रभु आशीष करना, प्रभु उनके हर एक जरूरत को पूरा करना पिता परमेश्वर। और पिता जैसे ये बीज है और ये दशमांश है, उस पर आपका लहू लगाते हैं कि आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल हो। धन्यवाद, प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुनो और कबूल करो, आमीन। आइए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको, आपके परिवार को आशीष देती हूँ। आप और आपका परिवार जीवन में हमेशा सफल होगा और अच्छा यश पाएगा। आप और आपका परिवार जीवन के हर क्षेत्र में निपुण हो जाएगा। पिता परमेश्वर ने जो आपका, आपके परिवार का भविष्य रचा है वो पूरा होकर रहेगा। जैसे पिता आपसे और आपके परिवार से प्रसन्न है, वैसे हम भी ये सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको और आपके परिवार को देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Praise the Lord. आइए, जिनका शादी का सालगिरह ये हफ्ते में है, उनका जन्मदिन है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनका शादी का सालगिरह प्रभु उनको आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद। और एक साल प्रभु उनके जीवन में प्रभु अपने कार्य किए, इसलिए हम धन्यवाद करते, बढ़ाए इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। और प्रभु उनके हर एक क्षेत्र में प्रभु अपने आशीष किया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और उनको प्रभु आपने प्रभु ये जोड़ी को प्रभु
आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, और आपके प्रभु राज में प्रभु इसको इस्तेमाल करना प्रभु, आपकी सेवकाई में इसको समाचार में प्रभु उनको अपने इस्तेमाल किए, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जिनका बर्थडे है प्रभु उनको भी प्रभु और एक साल प्रभु आपने बढ़ाया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। उनको भी प्रभु हर क्षेत्र में प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु उनको भर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते। हम उनके लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, तुम जीवन में सफल होंगे और अच्छा यश पाओगे, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप निपुण हो जाओगे। जो पिता परमेश्वर ने जो भविष्य रचा पूरा होकर ही देगा, जैसे पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न है वैसे हम भी प्रसन्न है। ये सारी आशीष हम यीशु मसीह के नाम से हम आपको देते हैं, आमेन। आइए हम कलीसिया मिलके बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग बीमारी है प्रभु उनके प्रभु पर लहू लगाते प्रभु, और प्रभु आपने प्रभु बीमारी के लिए प्रभु मार और कोड़े खाने से प्रभु हर एक बीमारी चंगी हो गई, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हर एक जीवन में प्रभु अपने आशीष के, इसलिए हम धन्यवाद करते। एक पत्र दो छह वचन कबूल करते प्रभु, आपने वो बीमारी के लिए मार और कोड़े खाने से प्रभु इन लोग सब चंगे हो गए, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे प्रभु ये कोरोना पॉजिटिव का प्रभु जो भी कुछ प्रभु मरीज है प्रभु उनके प्रभु आप लहू लगाते प्रभु, हर एक क्षेत्र में प्रभु उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किए, इसलिए हम धन्यवाद। सारे शैतानी गढ़ को हम तोड़ते यीशु के नाम से प्रभु, और प्रभु हम धन्यवाद करते जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु उनको उनके लिए मध्यस्थी करते प्रभु, और प्रभु उनको प्रभु आपने चंगाई देकर प्रभु उन लोग घर पे लौटे, इसलिए हम धन्यवाद करते। ये सारा महिमा आदर प्रभु हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन।